बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो मसाला फ्राइज़, और मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुक करते हैं। चलें बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो है चिप्स, फ्राइज़ हमारे जो रेडी हैं, उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर का पेस्ट, लेमन, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, साबुत रेड चिली और नमक, ये सब चीज़ें मिला के आज बनाएंगे मसाला फ्राइज़। चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, प्याज को हमें सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं। फ्लेम आप कर सकते हैं तेज। जी तो नाज़रीन, प्याज हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अब इसके अंदर ऐड करेंगे रेड साबुत चिली, नमक, हसबे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और ग्रीन चिली। अब थोड़ी देर के लिए इसको पका लें ताकि हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। बिस्मिल्लाह, और अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाह, आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं और टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह रेडी हो जाए। जी तो नाज़रीन, हमारा मसाला हो चुका है रेडी, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राइज। हमारी डिश का नाम है मसाला फ्राइज, तो अब इसके अंदर हम मसाला रेडी हो गया, मसाला फ्राइज अब इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा मसाला फ्राइज रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्व करके। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मसाला फ्राइज है रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं लेमन। और ये हो गया हमारा मसाला फ्राइज रेडी। जी तो नाज़रीन आज की रेसिपी आपने देखी है और उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।